हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो वेरी स्पेशल वीडियो है। सो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा दूंगा, डीफाई पावरफुल टूल, उसका नाम है डीफाई ईल। सो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आपको मल्टीपल डीफाई टूल्स अवेलेबल है। उस टूल्स को कैसे यूज करना, आप डीफाई में मेरे जैसे यूज कर रहे तो आप उसका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, इन सारे डिटेल्स इस वीडियो में रखा है। एंड ओवर दैट, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वेरी ह्यूज इन्वेस्टर बैकिंग ऑलरेडी है। एंड इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आप इंटरेक्ट करके फ्रीली मे बी फ्यूचर में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ए ड्रॉप भी दे सकते हैं, लाइक यूनी एंड वन इंच। सो डेफिनेटली वीडियो एंड तक वॉच करना, सो विदाउट स्किपिंग। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड जो भी डाउट्स आते हैं क्लेरिफिकेशन कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है 500 लाइक, सो अभी के अभी वीडियो लाइक बटन के ऊपर क्लिक करना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो फर्स्ट थिंग, डीफाई ईल प्लेटफॉर्म क्या है? सो बेसिकली आपको मेरे चैनल में मल्टीपल डीफाई टूल्स के बारे में वीडियोस बनाया था, उसमें एक बार डी बैंक के बारे में बताया। सो डीफाई ईल जो है सिमिलरली लाइक डी बैंक जैसे है, बट इसमें और भी एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल है। सो अगर आप देखना है तो इसमें 17 प्लस चेन्स ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। इसमें देख सकते हैं लाइक ऑल मेजर ईएमवी सपोर्टेड चेन्स अवेलेबल है, एंड उसके साथ साथ सोलाना चेन भी अवेलेबल है, एंड फ्यूचर में टेरा चेन भी इंटीग्रेट करने वाला है। सो इन सारा चेन्स का अगर आप वैलेट एड्रेस कॉपी करके इसमें वॉच में डाला तो उसका टोटल पोर्टफोलियो डिटेल्स आएगा, एंड अगर आप वैलेट को कनेक्ट किया तो आपको एडिशनल एक्टिविटीज भी इसमें कर सकते हैं। सो जस्ट आपको डेमो के लिए दिखा दूंगा, ये मेरे पास मल्टीपल वैलेट जो है, डमी वैलेट जो मैंने ऑनलाइन में सर्च करके निकाला, वो वैलेट से मेरा वैलेट नहीं है। इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कीजिए एंड क्लिक ऑन वॉच। उसके बाद इस वैलेट में कितना पोर्टफोलियो है, क्या क्या फंड्स है, उस सारे डिटेल्स आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। सो देख सकते हैं ऑल चेन्स नेटवर्क जो है इधर लोड हो रहा है, अभी अप्रॉक्सिमेटली अराउंड $86,000 का नेटवर्थ है। एंड इसमें नीचे देखा तो अकाउंट ओवरव्यू में वैलेट में ही उतना फंड्स है, एंड नीचे और देखा तो इसमें नेटवर्क में इथेरियम में 65,000 है, बीएससी में 18,000, एंड ऐसे डिफरेंट चेन्स में कितना फंड्स अवेलेबल है वो देख सकते हैं। सो मेरे जैसे यूजर्स, सो मुझे मल्टीपल चेन्स में एक ही वैलेट में डिफरेंट ऐप्स में फंड्स है, वो मैं ट्रैक नहीं कर सकता। सो मेरे जैसे यूजर्स और आप भी मेरे जैसा डीफाई यूज कर रहा तो आपका वैलेट जस्ट कॉपी करके इधर पेस्ट कीजिए एंड वॉच कीजिए, एंड आपका सारा ब्लॉकचेन्स में सेम वैलेट का कितने टोकन्स अवेलेबल है वो आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं वेरी सिंपल वे। सो ये एग्जाम्पल में आप ओनली वैलेट का बैलेंस देख सकते। आपको एक और एग्जाम्पल दिखा दूंगा, ये एक और यूजर का वैलेट है, रैंडम यूजर का। सो इसमें देख सकते हैं टोटल चेन नेटवर्क जो है $45,800। इसमें नीचे आए तो आप देख सकते हैं वैलेट में 30,600 है, एंड स्टेकिंग में 15,000 है। इसका मतलब अगर आप किसी भी ईल फार्मिंग पूल्स में स्टेकिंग में आपका टोकन एलपी टोकन स्टेक किया तो वो भी आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। सो इधर देख सकते हैं नेटवर्क में मून रिवर नेटवर्क भी अवेलेबल है, सो ये रीसेंट नेटवर्क है। नीचे देखा तो प्रोटोकॉल्स में पैनकेक स्वैप में $15,000 का लिक्विडिटी है। अगर उसको क्लिक किया तो आपको एडिशनल डिटेल्स आएगा कितना लिक्विडिटी अवेलेबल है, एंड उसमें कितना कौन सा लिक्विडिटी अवेलेबल है। इसमें BUSD USDC का लिक्विडिटी है, BUSD का कितना टोकन्स है, BUSDC का कितना टोकन्स आएगा, लिक्विडिटी रिमूव किया तो वो भी आप इसमें देख सकते, टोटल वैल्यू देख सकते, एंड उसके साथ साथ क्लेमेबल फंड जो है केक टोकन्स आप इधर ट्रैक कर सकते। सो टोटल 4.4 केक टोकन्स अवेलेबल है फॉर क्लेमिंग, एंड इसका वैल्यू जो है $53। सो ऐसा आप इसमें प्लेटफॉर्म में ट्रैक कर सकते। सो फर्स्ट एडवांटेज हो गया इस प्लेटफॉर्म का, सारा डिटेल्स आप ट्रैकिंग कर सकते वन लोकेशन में। एंड सेकेंड थिंग जो है इसका टूल किट एंड प्रोटेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपका NFTs कुछ है तो NFTs टैब में उस सारे NFTs को भी इसमें आप ट्रैकिंग कर सकते। देन एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको PNL प्रॉफिट एंड लॉस भी आप इसमें देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये सेकेंड वैलेट को आपको ऐड करना है तो आपका वैलेट एक ऑलरेडी ऐड किया, अगर आपको मल्टीपल वैलेट्स ट्रैक करना है तो इधर आपको छोटा एरो दिख रहा है ना, उसको क्लिक किया तो इधर आपको एंटर एड्रेस का ऑप्शन दिख जाएगा, उधर एंटर करके प्लेस कीजिए एंड आपको अनदर वैलेट भी इधर ऐड हो जाएगा। उस वैलेट को क्लिक किया तो उसका पोर्टफोलियो लोड हो जाएगा। ऐसा आप कितने भी वैलेट्स इधर ऐड करके ट्रैक कर सकते। सो अभी इसका PNL देखना है तो इसमें वैलेट के ऊपर क्लिक कीजिए, एंड इथेरियम चेन में इसका डोंकी फाइनेंस है ना, इसको डोंकी फाइनेंस का टोकन क्लिक करते हैं, एंड इसका डोंकी फाइनेंस का टोकन का पूरा ग्राफ दिखेगा, एंड नीचे आपको इस यूजर को वैलेट को डोंकी फाइनेंस में कितना प्रॉफिट एंड लॉस मिला देख सकते हैं। इस यूजर को मोस्टली इधर -$2,300 इस पर्टिकुलर यूजर ने डोंकी फाइनेंस में लॉस एन किया। सो ऐसा आपका PNL डिफरेंट टोकन्स में कितना है वो भी आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। ये भी मुझे थोड़ा यूनिक लगा कंपेयर टू अदर DeFi प्लेटफॉर्म्स।
सो अभी हम थोड़ा इसका पावरफुल टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो पावरफुल टूल्स मतलब वेरी यूजफुल थिंग. सो लेफ्ट साइड में आपको टूल्स किट एंड प्रोटेक्शन का ऑप्शन है. इसमें आपको अप्रूवल्स का एक टैब है. सो अगर आप अप्रूवल्स के ऊपर क्लिक किया तो आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके आपका वैलेट अप्रूव किया वो आप इधर ट्रैक कर सकते हैं एंड उसका टोटल रिस्क एक्सपोजर कितना है वो भी आप देख सकते हैं. एंड इसमें अनवेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में आप कितना अप्रूवल्स दिया है वो भी आप देख सकते हैं. अगर आपको उसको रिवोक करना है तो नीचे आके उधर आपको डिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा. उसको क्लिक करके वैलेट कनेक्ट होना है तभी आप डिक्लाइन कर सकते हैं. मेटामास्क ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट जहाँ भी आप अनलिमिटेड एक्सेस दिया वो आप उधर अपडेट कर सकते हैं और डिक्लेन कर सकते हैं. एंड ये करेंटली ओनली इथेरियम चेन के ऊपर अवेलेबल है. फ्यूचर में मल्टीपल चेन्स के ऊपर भी ये आपको अवेलेबल हो जाएगा. देन नेक्स्ट पावरफुल टूल जो है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का IL कैलकुलेटर विच इज इम्परमानेंट लॉस कैलकुलेटर. सो आप यील्ड फार्मिंग में और LP टोकन स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको इम्परमानेंट लॉस कैलकुलेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है DeFi स्पेस में. मैंने भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया बट फिर भी बहुत सारे यूजर्स कंफ्यूज है. अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो आपको इधर सिंपल कैलकुलेटर अवेलेबल है ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो इधर देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए $10,000 का मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसमें 2 टोकन्स है विच इज वाईफाई एंड वाईफाई डाला तो उसका टोकन का सिंबल आ जाएगा एंड इथेरियम का लिक्विडिटी में ऐड किया. जस्ट एन इमेजिनेशन. इसमें एसेट का पूल साइज वो सारा आप इसमें चेक कर सकते हैं एंड इसमें एसेट का प्राइस चेंज भी आप एडजस्ट कर सकते हैं. अगर मान लीजिए इसका प्राइस जो है थोड़ा 8% डाउन हुआ है वाईफाई का प्राइस एंड इथेरियम का प्राइस जो है थोड़ा अराउंड मे बी 9% पंप हुआ. उसके बाद आप कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड पूरा ग्राफ इधर आपको मिल जाएगा एवरी परसेंटेज के ऊपर. नीचे आए तो आपका अमाउंट जो है मैंने जो दिया वाईफाई जो है 8% डाउन इथेरियम जो है 9% अप हुआ तो हमको कितना इम्परमानेंट लॉस होगा आप देख सकते हैं. अराउंड $300 के इम्परमानेंट लॉस हो सकता है. सो इधर आपका पूरा कैलकुलेशंस विद एडिशनल डिटेल्स आपको इस पेज में मिल जाएगा. सो इतना क्लियर इम्परमानेंट लॉस कैलकुलेटर मैंने तो नहीं देखा. आप इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को अभी यूज करके इम्परमानेंट लॉस को आप अंडरस्टैंड कर सकते. सो देन ये हो गए तीन. अनदर फाइनल इम्पॉर्टेंट स्कैनर जो है टूल जो है इसमें स्कैनर. सो स्कैनर अभी अवेलेबल नहीं है पब्लिक के लिए. मेरे पास इसका बीटा अल्फा टेस्ट का लिंक अवेलेबल है. सो आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं. ये स्कैनर क्या करते हैं आपको बताऊंगा फर्स्ट. अगर आपको मान लीजिए आप कोई भी न्यू यील्ड फार्मिंग में जाके यील्ड फार्मिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सो यील्ड फार्मिंग का पूल टूल जो है सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है. आपको बिफोर स्टेकिंग इन टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको देखना होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना सिक्योर है और इसमें कोई भी रिस्क है या नहीं, उसमें मिंट फंक्शन करेक्ट है या नहीं, वो सारा चेक करना है तो आप सिंपली उस कॉन्ट्रैक्ट को इधर पेस्ट करके स्कैन कर सकते हैं. सो जैसे एग्जांपल मैं किमची फाइनेंस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके इधर पेस्ट करके आपको दिखा दूंगा. इधर पेस्ट कीजिए एंड सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट ओवरव्यू आ जाएगा. सो इस प्लेटफॉर्म क्या करते हैं उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्क्रूटिनाइज करके उसमें कितना फ्लॉस है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं वो सारा आपको इधर दिख जाएगा. सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं लोडिंग हुआ एंड इधर आप देख सकते हैं इसका सिक्योरिटी स्कोर है ओनली 57. सो बेस्ड ऑन सिक्योरिटी स्कोर आप उस कॉन्ट्रैक्ट में कितना फंड इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क ले सकते हैं आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टडी करना नहीं आता तो इस पर्टिकुलर स्कैनर को यूज करके आप एडिशनल एडवांटेज अर्न कर सकते हैं. तो देख सकते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, देख सकते हैं इश्यूज लोकेटेड इसका किमची शेफ में कुछ प्रॉब्लम है वो इधर हाई रिस्क कैटेगरी में है. सो उसको स्टडी कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं. सो ये हो गया प्लेटफॉर्म का हाई एंड टूल्स. एंड उसके साथ साथ आपको इसका डाटा बेस चाहिए तो इसमें मल्टीपल डाटा बेस अवेलेबल है. ऑडिट डाटा बेस अवेलेबल है जिसमें आपको सारा प्रोजेक्ट्स का ऑडिट रिपोर्ट्स अवेलेबल है, आप डायरेक्टली इधर ही पढ़ सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल अगर 1 inch का देखा तो 1 inch का ऑलमोस्ट 13 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स हुआ है फ्रॉम डिफरेंट एंटिटीज 13 entities से. सो सारा इधर देख सकते हैं उसमें बग्स क्या है, क्या क्या रिपोर्ट्स है, वो सारा आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं. एंड लेफ्ट साइड में एक और डाटाबेस अवेलेबल है विच इज रेक्ट डाटाबेस. सो ये भी वेरी इंटरेस्टिंग है. इसमें आपको अभी तक DeFi में कितना फंड लॉस हुआ है कंप्लीट रिकॉर्ड अवेलेबल है. अभी तक टोटल फंड लॉस जो है 2.5 billion फंड्स लॉस हुआ. उसका ब्रेकअप भी अवेलेबल है. इसमें देख सकते हैं हाईएस्ट लॉस, हाईएस्ट फंड लॉस जो है वो
पॉली नेटवर्क का है। पॉली नेटवर्क का मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको अराउंड 603 million dollars जो है लूट हो गया था, जिसमें फाइनली वो हैकर जो है फंड्स को रिटर्न किया। इस डेटाबेस में आपको इस टाइप का और भी हैक जो है देखने को मिलेगा, उसका डेट फंड्स लॉन्च कितना है वो भी मिलेगा, समरी डेट भी मिलेगा इवेंट का, एंड अगर आपको एडिशनल डिटेल्स है तो उसको एक्सपैंड करके इस पर्टिकुलर कंप्लीट सिनेरियो को आप स्टडी कर सकते हैं। मतलब हैक में कैसे हुआ, कैसे हैक किया, कौन सा वैलिड एड्रेस है उसका ट्रांजेक्शन डिटेल्स रहेगा, एंड कितना स्टोलन फंड्स का नंबर्स भी इसमें अवेलेबल रहेगा। सो मेरे हिसाब से इतना डिटेल्ड रेक्ट डाटाबेस मैंने कभी कहीं नहीं देखा। सो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सो आप भी इस पर्टिकुलर ट्रैक करना है तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आपके आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से वेरी वेरी पावरफुल टूल्स इस पर्टिकुलर डीफाई ईल प्लेटफॉर्म हमको दे रहा है। सो मल्टीपल थिंग्स आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, अगर आप देखना है तो इसका ट्विटर में आप देख सकते हैं इसका फॉलोअर्स कौन है, आप देख सकते हैं इधर क्लिक किया तो देख सकते हैं पैनकेक्स लैब इसको फॉलो कर रहा है, लाइक सीजी बिनेंस भी इसको फॉलो कर रहा है, लाइक बिग इन्वेस्टर्स एंड बिग क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ऑलरेडी ट्विटर में फॉलो कर रहा है। ओवर दैट आपको बताऊंगा इसका इन्वेस्टमेंट राउंड्स कंप्लीट हुआ रिसेंटली, एंड इसका इन्वेस्टर बैकिंग देखा तो वेरी वेरी स्ट्रांग बैकिंग, लाइक शिमा कैपिटल, स्पार्क, देन एनजीसी वेंचर्स, ए वीसी सपोर्ट है। उसके अलावा एंजल इन्वेस्टर्स आपका लिस्ट देखा तो वेरी बिग लिस्ट, सो कॉइनबेस का वन ऑफ द मेंबर है इसमें, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ पैरास्वैप भी इसमें एंजल इन्वेस्टर है, एंड पॉलीगॉन है, देन हार्मनी है, सो मल्टीपल बिग प्रोजेक्ट्स का एंजल इन्वेस्टर जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। सो वो इसका प्रोजेक्ट का वेरी गुड थिंग। सो अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो मेरे चैनल में ऑलरेडी प्रीवियस प्रिडिक्शंस किया है इसका टोकन आ सकता है, अगर इसका टोकन आ रहा है तो मेरे हिसाब से इसका भी ए ड्रॉप होने का चांसेस है। सो अगर आपको इसमें ए ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना है तो मे बी आपको जस्ट इसमें वैलेट कनेक्ट करके आपको जस्ट पोर्टफोलियो चेक करना होगा। सो जस्ट जाके इसमें वैलेट कनेक्ट कीजिए आपका मेटामास्क, एंड चेक कीजिए आपका पोर्टफोलियो क्या है, एंड फ्यूचर में इसका भी ए ड्रॉप आ सकते हैं जस्ट लाइक यूनिस्वैप, वन इंच, एंड रिसेंटली इसका डैप रेडर का भी ए ड्रॉप आया था। सो सेम वे इसमें भी आपको ए ड्रॉप मिलने का चांसेस है। सो डेफिनेटली जाके वैलेट को कनेक्ट करके ट्राई कीजिए, अगर आप लकी एनफ है तो आपको ए ड्रॉप मिल सकता है। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट डीफाई ईल प्लेटफॉर्म का कंप्लीट प्रोजेक्ट ओवरव्यू। सो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, जो भी डाउट्स है क्लैरिफिकेशन कमेंट में मेंशन करना। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।